व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। आज हम देखने वाले हैं बिपरजॉय साइक्लोन तूफान ने फिर बदला रूट, राजस्थान डूबा, अब मध्य प्रदेश की बारी। तो भाई, एक तो ये बहुत खतरनाक तूफान है और मैं ये कहूँगा कि अगर आप कच्चे मकान में हो या आपके आसपास कोई दिख रहा है आपको कि वहाँ पर वो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करें। बाकी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी है, मुझे लगता है कि एक इंसान के नाते हम जितना हेल्प कर सकते हैं वो टाइम है, आपस में एक दूसरे की जितनी हेल्प कर सकते और न्यूज़ लगातार देखते रहें। तो ओशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नॉलेज टीवी हिंदी चैनल वीडियो है। 1 2 3 गो। बिपरजॉय साइक्लोन की तबाही रुक ही नहीं रही है। गुजरात में जितनी तबाही प्रेडिक्ट की गई थी, उससे कहीं कम तबाही राजस्थान में प्रेडिक्ट की गई थी। भविष्यवाणी की गई थी कि राजस्थान में तो तूफान जाकर थम जाएगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, वो एक ग्रेट डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। ना वहां तेज हवाएं चलेंगी, ना उतनी बारिश होगी। हाँ, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जरूर जारी किए गए थे भारत के मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान के कुछ इलाकों में, लेकिन असलियत में क्या हुआ? इस साइक्लोन ने जो तबाही मचाई है भारत के अंदर, वो हैरान कर देने वाली है। और ये तबाही रुक ही नहीं रही है। राजस्थान पूरी तरीके से डूब चुका है दोस्तों। इस कदर वहां पानी गिरा है, इस कदर वहां पर तेज हवाएं चली हैं, अंधड़ चला है, न जाने कितने डैम्स, न जाने कितने दीवारें, नर्मदा की नदी में जो दीवारें बनी गई हैं रिफ्ट वाली, वो टूटी हैं कि पूरी तरीके से राजस्थान जलमग्न सा हो गया है। फ्लड लाइक सिचुएशन कहा जा रहा है राजस्थान का। जी हाँ दोस्तों, जितना तूफान ने गुजरात में नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि राजस्थान में पहुंचा देगा। और तबाही आज भी जारी है। अगले 12 घंटे में फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट भी जारी किया गया कई जिलों के लिए मौसम विभाग के द्वारा, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा राजस्थान के लिए। सबसे बड़ी बात, एक और बार अपना रुख पलट लिया है इस तूफान ने। जी हाँ, एक बार फिर अपना रूट बदल लिया है बिपरजॉय तूफान ने, जो कि अब एक डिप्रेशन बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, और ये एंटर करने वाला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तेज असर देखने को मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश में जो मौसम है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वहाँ मिला जुला असर है। कई जगह पर गर्मी पड़ रही है, कई जगह पर पानी गिरना शुरू हो गया है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में 19 से लेकर 21 जून तक के मध्य प्रदेश में कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, यूपी, पश्चिमी यूपी खासकर, उसके 29 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। यानी कि अब मध्य प्रदेश में भी ये तबाही पहुँचेगी, यूपी में भी ये तबाही पहुँचेगी। देखना होगा कितनी पहुँचेगी, लेकिन सुनिए कितनी ज़्यादा तबाही इस तूफान ने मचाई है राजस्थान में। सांचौर, जालौर, बाड़मेर, ये तीनों नाम याद कर लीजिए। इस कदर यहाँ तबाही मची है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। सुरावा नामक एक बांध है, वो सांचौर जालौर इलाके में पड़ता है। शनिवार की रात को ये सुराहा बांध टूट गया और जालौर में पांचला बांध, इसकी दीवार भी टूट गई। सिर्फ यहीं तक सीमित रहता तो कोई बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान के नर्मदा नहर की दीवार जो है वो भी टूटी और शहर में पानी घुस गया, सांचौर में पानी घुस गया, पाली, सिरोही, टोंक, अजमेर में हैवी रेनफॉल हुई है, कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, हर जगह तेज पानी गिरा है और ताबड़तोड़ पानी कमर तक भर गया है वहां पर। जालौर की जो बामड़ी नदी है, जो जालौर में बामड़ी नदी जो बहती है, उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। वो पुल है जो दिल्ली अहमदाबाद पुल कहा जाता है, उसे दिल्ली अहमदाबाद हाईवे कहा जाता है। उसे उस पुल के ऊपर इस कदर पानी बढ़ा वहां पर बामड़ी नदी में बाढ़ आने की वजह से, कई ट्रक वहां फंस गए। इवेंचुअली अब आपको बता दें, कांडला पोर्ट से दिल्ली को जोड़ता है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट था, यहाँ से ट्रकें जाती हैं, माल जाता है, सब कुछ होता है। यहाँ कई सारी ट्रकें बीच पुल में फंस गई पानी अचानक से बढ़ जाने की वजह से, और ऐसी स्थिति में सेना को बुलाना पड़ा और तब जाके सेना आई। और उसके बाद ट्रक में मौजूद जो ड्राइवर और उसका असिस्टेंट होता है, सहयोगी जो होता है ट्रक के साथ, ड्राइवर के साथ में, उसे निकाला गया। जी हाँ, एक दो नहीं, बहुत सारी ट्रक वहाँ फंस गई थी। काफ़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, अभी भी बनी हुई है। मैं आपको बता दें, सिरोही के माउंट आबू में अब तक 360 mm बारिश हो चुकी है, जालौर के रानीवाड़ा में 317 mm बारिश हो चुकी है, सिरोही के शिवगंज में 315 mm बारिश हो चुकी है, जालौर के सांचौर में 296 mm बारिश हो चुकी है, बाड़मेर के चौटन में 266 mm बारिश हो चुकी है। ये बारिश नॉर्मल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल की श्रेणी में आता है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि राजस्थान का पूरा रेगिस्तान इस तरीके से पानी में सराबोर हो जाएगा। हेल्प करो भाई, जितने अगर आसपास है तो डूब जाएगा। लोग ये कह रहे थे कि गुजरात में सबसे ज़्यादा तबाही होगी, राजस्थान में जाके
क्षण पड़ जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की तबाही राजस्थान में दिख रही है वो बेहद खतरनाक है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, सेना डिप्लॉय की गई है, जितना तो गुजरात में नहीं हुआ उतना ज्यादा तो राजस्थान में ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब वहां पर लगी हुई है। एमपी की बात करें तो एमपी में 22 जिलों में हैवी रेनफॉल की जो है चेतावनी जारी कर दी गई है। भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, गढ़वाली, जबलपुर, सागर, रतलाम, सीहोर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़, दमोह, इन सारे इलाकों में हैवी रेनफॉल हो सकती है और इसका असर यूपी में भी दिखेगा, पश्चिमी यूपी में। वैसे सबसे जो बड़ा मध्य प्रदेश में जो टारगेट रहेगा इस तूफान का वो होने वाला है ग्वालियर और चंबल। यहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के पूरे अंदेशे जताए जा रहे हैं। रीवा, सतना, टीकमगढ़, छतरपुर में भी अंधड़ चलेगा और पानी गिरने के पूरे अंदेशे हैं। इसका इफेक्ट पूरी नॉर्थ इंडिया में। बात करें यूपी की तो यूपी में 29 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है और उत्तराखंड भी अफेक्टेड होने वाला। आप देखिए यूपी जहां अफेक्टेड होता है तो सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, उत्तराखंड अगर हुआ अफेक्टेड तो वहां भी खतरनाक सिचुएशन आ जाती है, वहां बादल फटने की सिचुएशन होती है। हमने आपको बताया राजस्थान का जो माउंट आबू है, माउंट आबू में काफी ज्यादा पानी गिरा है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू पड़ता है, हिल स्टेशन है, वहां 360 में बारिश हुई है। तो अगर ये साइक्लोन वहां जाता है उत्तराखंड में तो वहां बहुत सारे पहाड़ हैं, वहां बारिश बहुत ज्यादा गिर सकती है और बारिश गिरी तो भूस्खलन हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है दोस्तों, रास्ता जाम होगा सलग। तो ये जो तूफान है इसकी तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बिपरजॉय ने पूरी तरीके से भारत के नॉर्थ को पूरी तरीके से अफेक्ट कर दिया है और अब उत्तराखंड की तरफ भी बढ़ने वाला है, मध्य प्रदेश और यूपी से होता हुआ। आने वाले वक्त में क्या होता है, कब क्षीण पड़ेगा, कब खत्म होगा इस तूफान की जो तबाही है कहा नहीं जा सकता। अभी हैवी रेनफॉल हो रही है राजस्थान में, 12 घंटे तक होगी। मध्य प्रदेश में असर दिखना शुरू हुआ है पर वहां मिला जुला भी मौसम है, कुछ जगह बारिश हुई, कुछ जगह वहां पर गर्मी है, पर 19 से 21 के बीच में तेज वहां पर पानी गिरेगा, हवाएं चलेंगी मध्य प्रदेश में भी, यूपी में उसके बाद एंटर करेगा और उसके बाद में उत्तराखंड में। दोस्तों देखा जाए तो मानसून से पहले ये पहला तूफान है और इसने भारत के दो राज्यों को कम से कम जलमग्न तो कर ही दिया है। गुजरात जितना नहीं हुआ था उससे ज्यादा तो राजस्थान अफेक्ट हो गया है। अब असर एमपी की तरफ जा रहा है, उत्तराखंड की तरफ जा रहा है और मानसून भी नीचे साउथ रीजन में एंटर कर चुका है भारत के। अब ये बेपरजॉय और ये मानसून मिलकर के क्या तांडव मचाने वाले हैं भारत के अंदर, ये देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर के बाद, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बेपरजॉय का जब संगम होगा मानसूनी विंड्स के साथ में, मानसूनी बारिश के साथ में, तो उसके बाद क्या होगा, क्या बेपरजॉय तब तक अपना प्रभाव कायम रख पाएगा जब मॉनसून साउथ से ऊपर चढ़ते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तब क्या होने वाला है इसका असर, क्या बेपरजॉय और मॉनसून टकराने के बाद भारत में जल प्रलय आ जाएगी क्या, और ये जो सिचुएशन है ना इसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि जब ये मानसून अब ऑलरेडी आने वाला है और ये ऐसी सिचुएशन है, ह्यूमिडिटी वैसे ही बढ़ गई और ये जो मानसून ये जो पानी की नमी होती है ना, बाद में फटने वाली सिचुएशन हो जाती है और ये लगा लो जहाँ भी मानसून आएगा नॉर्मल मानसून नहीं होगा, ज़्यादा ही पानी भरेगा और पानी भरने के बाद आपको पता ही घरों में घुस जाते हैं और कई कई इलाकों में तो ऐसी हालत होती है लोगों को चीजों पे बैठना पड़ जाता है, जिनकी दुकानें होती है जिनका पानी सब कुछ बिजनेस ठप पड़ जाते हैं, बहुत चीजें अफेक्ट हो जाती है। एग्रीकल्चर वाइज ठीक है लेकिन लोगों के बहुत सारे लोगों को कहते हैं, लेकिन ये लगान जब इतना पानी खेतों में भर जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही, और खेतों में भी एक लिमिट तक ठीक है पानी बारिश को ना, लेकिन अगर ओवर जाए तो खराब हो जाएगा। हाईलाइट हो रखा है, मतलब यूपी में काफी इलाकों में, मध्य प्रदेश का भी काफी बता रहे हैं, मध्य प्रदेश का काफी बता रहे हैं भाई। लेकिन मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो अगर आपका इलाका किसी भी लिस्ट में आता है और आपको अगर कोई कह रहा है ना कि यहाँ से मूव करो तो जरूर मूव करो वहाँ से, क्योंकि वो बेवकूफ़ी में नहीं कहते हो, क्योंकि उनको पता है कि अंदेशा लग जाता है कि किस तरीके से वो डाइवर्ट हो रहा है, वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है उस इलाके मतलब में, कि अपना जरूरी जरूरी सामान जो आपको लगता है कि हाँ ये आपको जरूरत है वो लेके। और भाई हेड्स ऑफ टू ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन दिस, मतलब जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि लोगों को कच्चे घरों से हटा के उनको थोड़ा पक्की जगह ले जाना, ऊंचे इलाकों में लेके जाना ताकि वहां पर वो अफेक्ट ना हो सके, जान है तो जान है, चीजें टूट फूट जाएंगी वो फिर भी हासिल कर जाएगी इंसान से, लेकिन वो चीज आना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इंसान है, इंजरी होने की कितने चांसेस है, तूफान में कुछ भी उड़ के लग जाए, कुछ भी हो जाए। आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।